हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी एम एच एस स्टडी क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टेटिस्टिक चैप्टर 9 सेक्शन बी सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अलावा सारे सम्स हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले रहेंगे। कहीं पे भी आपको क्वेरीज लगे, कन्फ्यूजन्स हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्रीवियस 1 to 8 चैप्टर और 9 चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। स्टेटिस्टिक की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी से। व्हाट इज़ द nth टर्म ऑफ GP? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म, यानी यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं जो सीक्वेंस होती है उसमें a into r यानी कॉमन रेशियो और a यानी फर्स्ट टर्म जो होती है उनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर दिखाया जाता है। उसके बाद जो कॉमन रेशियो होता है वो इसमें और ऐड हो जाता है, यानी उसका स्क्वायर होता है। और नेक्स्ट जो होता है वो a into r का क्यूब होता है। जैसे जैसे हम कॉमन रेशियो बार बार ऐड करते जाते हैं तो हमें उसका फर्दर यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता जाता है, राइट? तो अब यहाँ पर हमें ये टर्म एक्सप्लेन करना है कि nth टर्म जो होता है वो कौन सा होता है। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पर जो nth टर्म होता है वो होता है a into r raise to n, यानी फर्स्ट टर्म तो होगी उसमें हमेशा कॉमन रेशियो और raise to n यानी जितनी बार उसका प्रोडक्ट किया जा रहा है वो, राइट? तो ये फर्स्ट का आंसर है, ये 1 marker है। आप MCQ में भी ऐसे क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन रीड करती हूँ। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ GP 0.1, 0.01 एंड 0.001। तो अब यहाँ पर इस प्रोग्रेशन में आपको कॉमन रेशियो बताना है, यानी कौन से ऐसे नंबर से हर एक डिजिट को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे ये जो डिजिट आपको दी गई है इसे कौन से नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है तब हमें ये आंसर मिला है, वैसे ही इसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया गया तब ये आंसर मिला है, तो उसे हम कॉमन रेशियो कहते हैं। जिसे यहाँ पर तो R का मतलब होता है कॉमन रेशियो, जो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक ही मेथड अवेलेबल है आपके पास, जो है यहाँ पर जो लास्ट टर्म है उसे प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दो तो आपको यहाँ पर कॉमन रेशियो मिल जाएगा। जैसे इसे मल्टीप्लाई करने पर किसी नंबर से ये आंसर मिला है तो इसे वापस इस प्रीवियस डिजिट से डिवाइड कर दो तो जो रेशियो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ट्राई करते हैं, देखिए 0.001 डिवाइडेड बाय 0.01, तो इसका आंसर आता है 0.1। तो ये कॉमन रेशियो है। इसी तरह से अगर ये डिजिट यहाँ पर हम कंसीडर करें 0.01 डिवाइड बाय उससे प्रीवियस वाले यहाँ पर उसके डिवाइडेशंस में रखेंगे तो डिवाइड करने पर आंसर 0.1 ही आता है। तो आप देख सकते हैं कॉमन रेशियो, यानी 0.1 को 0.1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0.01 आएगा, और फिर से उसे 0.1 से मल्टीप्लाई करने पर 0.001 आंसर हमें मिलता है। तो ये बन चुका है हमारा R, दैट इज़ कॉमन रेशियो। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करती हूँ। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द GP 777, यानी जहाँ तक 20 टर्म्स आए तब तक हमें उसका सम फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पर कंटिन्यूस जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो 7 की चल रही है, यानी यहाँ पर 20th टर्म तक जब 7 आएगा, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से 20th प्लेस पे भी 7 आएगा, उतने सभी का सम फाइंड करना है, यानी उनका एडिशन आपको फाइंड करना है। तो जब भी आप किसी भी प्रोग्रेशन के लिए आपको सम फाइंड करना होता है तो उसे डिनोट किया जाता है SN से। SN यानी सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर SN, N की जगह पर हम रखेंगे S20 बिकॉज हम फर्स्ट 20 जो टर्म्स है इस प्रोग्रेशन के उसका सम फाइंड करने वाले हैं। और इस SN की फॉर्मूला जो होती है वो होती है N into A, राइट? N into A यानी जितने टर्म्स के आप फाइंड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर N को हमने 20 कंसीडर किया है, 20 बिकॉज यहाँ पर हमें 20 टर्म्स फाइंड करने हैं तो वो लिखेंगे। और A यानी जो फर्स्ट हमें यहाँ पर टर्म दी गई है वो यहाँ पर हम लिखेंगे, और कॉमन रेशियो जो है वो यहाँ पर 1 का ही है, यानी 1 का कॉमन रेशियो चल रहा है। आप देख सकते हैं 7 into 1 करेंगे तो 7 आएगा, अगेन इसे भी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 7 आएगा। यानी आप देख सकते हैं अगर हम 7 की 20th टर्म
उनका एडिशन, यानी आप डायरेक्टली समझ सकते हैं 7 × 20 करने से आंसर आ जाएगा, बट आपको ये यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि आपने कौन सी फॉर्मूला अप्लाई की है। इसलिए यहाँ पर डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, SN इज इक्वल्स टू N × A, बट आप माइंड में कंसेप्ट क्लियर रखें कि आपको यहाँ पर 7 7 7 20 टाइम्स है, तो आप उन सभी को जब 20 से डायरेक्ट 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फर्स्ट 20 टर्म्स जो 7 है उनका एडिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर फाइंड करते हैं, देखिए S20 यानी SN इज इक्वल्स टू N × A, तो हम S20 फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, N यानी यहाँ पर कितनी टर्म्स, तो हम 20 टर्म्स जो है उनका सम फाइंड करने वाले हैं × A यानी जो फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 7, अगेन मैं यहाँ पर लिखकर आपको बता देती हूँ, N हमारा है 20 और A हमारा है 7 जो हमने यहाँ पर कंसीडर कर दिए। अब सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, हमारा आंसर जो आ रहा है 140 जो हमारा आंसर आ रहा है, तो ये हमारा बन चुका है कंप्लीट आंसर S20 का। यानी अगर फर्स्ट 20 प्लेसेस पे 777 पुट कर दिए जाए तो उनका जो एडिशन होता है वो 140 होता है, एडिशन में यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन में बहुत सारे स्कूल्स में ये रिड्यूस सिलेबस में गिन लिया गया है कि TN से जो वैल्यूज फाइंड की जाती है ये वाला रिड्यूस सिलेबस में, बट बहुत सारे स्कूल्स ऐसे करवा रही है, तो मैं यहाँ पर एक बार आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, आप कंफर्म कर लीजिए कि ये रिड्यूस सिलेबस में है या नहीं, आपके स्कूल में करवाया है या नहीं। तो यहाँ GP दिया गया है N टर्म का, वो है TN इज इक्वल्स टू 2N+1, राइट। अब इसे सॉल्व क्या करना है, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कॉमन रेशियो यहाँ पर आपको बताना है, तो कॉमन रेशियो कौन सा होगा, जैसे कोई भी डिजिट आप यहाँ पर रखो उसके ऊपर 2⁻⁶ दिया गया, तो आपका कॉमन रेशियो यहाँ पर कंपेयर करें अगर हम TN इसकी एक्चुअल वैल्यू से, वो है TN इज इक्वल्स टू A × (n⁻⁶)-1। तो यहाँ पर जो R आप देख सकते हैं, अगर आप इसे कंपेयर करें तो यहाँ पर आपका R 2 है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो कॉमन रेशियो है वो यहाँ पर 2 बन जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे स्कूल्स में नहीं करवाए गए, इन्फॉर्म कर लीजिएगा अपने स्कूल से कि ये वाला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, बट मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करती हूँ, नंबर 4, 1 and Y आर इन GP, फाइंड द वैल्यू ऑफ Y, यानी यहाँ पर 4 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा जब हमारा आंसर 1 आएगा, और अगेन 1 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तब Y की जो वैल्यू है वो मिलेगी। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली Y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो हम किस तरह से Y की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पर देखते हैं। देखिए सिंपल स्टेप्स हैं यहाँ पर किस तरह से आपको सॉल्व करना है, आपको पहले कॉमन रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कैसे कर सकते हैं ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो वो यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए सेकेंड टर्म जो होती है उसे फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं ऑलवेज, तो यहाँ पर हम वही करेंगे 1/4 इज इक्वल्स टू, हमेशा दोनों का रेशियो सेम रहता है, जैसे कि यहाँ पर हम करेंगे अगेन 5/1 यानी थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, तो इनका रेशियो सेम होने की वजह से हमने यहाँ पर इक्वल्स टू की साइन दिखाई है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, किस तरह से सिंप्लीफाई आपको करना है, देयरफॉर इस तरफ आप देख सकते हैं अब इक्वल है, तो आपको दो टर्म्स अलग अलग बायफर्गेट करनी है, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, दैट इज़ आपको मिलेगा 4Y = 1। इस तरह से आपने सिंप्लीफाई कर दिया, 4 मल्टीप्लिकेशन में वो डिवाइडेशंस में आ जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर, अब यहाँ पर अकेला वाई रहेगा इज इक्वल्स टू 1/4 जो 4 मल्टीप्लिकेशन में है वो यहाँ पर डिवाइडेशन में आ गया, तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा, वाई की वैल्यू 1/4 आपको मिल जाएगी, राइट। अब आप इन्हें डिवाइड करके देख सकते हैं, कॉमन रेशियो आपको मिल जाएगा, जैसे कि 1/4 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे या 1 को फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से आप कॉमन रेशियो ढूंढ सकते हैं, बट ये इजी और सिंपल वे है, आप डायरेक्टली वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 6 सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 6 रीड करती हूँ, फॉर GP सम ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 0, देन व्हाट विल बी द कॉमन रेशियो। अब यहाँ पर आपको फिर से कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो किस तरह से फाइंड करेंगे कॉमन रेशियो,
यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें कहा गया कि फर्स्ट टर्म और अगर सेकेंड टर्म का एडिशन किया जाए सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म, यानी फर्स्ट टर्म भी हो सकती है सेकेंड भी हो सकती है, यानी कंसेक्यूटिव लाइन वाइज एक सीक्वेंस में, जैसे थर्ड और फोर्थ टर्म भी आप ले सकते हो इसी तरह से। अगर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म हम यहाँ पर कंसीडर करें और इनका सम होगा ज़ीरो होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर अब कॉमन रेशियो कौन सा बनता है वो हमें एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैं आपको इसकी फॉर्मूला से एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट टर्म ए होता है प्लस अगर हम यहाँ पर ए इंटू आर, यानी जो फर्स्ट टर्म है उसे ए, उस ए को आर यानी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये सेकेंड टर्म बन जाती है और फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ जो होगी ए वो ही रहेगी। अब इन दोनों का जो सम होता है आप देख सकते हैं ऐड करने पर हमारा आंसर ज़ीरो आना चाहिए। तो अब इससे हम कैसे फाइंड करें कि जब ज़ीरो यहाँ पर आंसर हो तब हमारा कॉमन रेशियो कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म अगर मैं वन अज्यूम कर रही हूँ प्लस ए आर यानी वन इंटू आर, तो मेरा आंसर यहाँ पर 1r यानी कि सिर्फ r आता है, राइट। अब इनका सम होना चाहिए 0। तो अब इसे सिंप्लीफाई करना है आपको, r की वैल्यू फाइंड करनी है, r इज 0-1, तो आपका आंसर आता है -1। तो -1 इस प्रोग्रेशन में यहाँ पर कॉमन रेशियो बनकर रह जाएगा, बिकॉज कॉमन रेशियो जब हम -1 लेंगे तभी दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो सम होगा वो ज़ीरो आएगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। जैसे कि अगर फर्स्ट टर्म हमारी वन है, अब सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट टर्म को आर से मल्टीप्लाई करते हैं, वन इंटू -1 दैट इज़ -1। अब इनका सम करेंगे, 1 + -1 ज़ीरो होता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि 1 और -1 का अगर हम सम करें तो आंसर ज़ीरो आता है, दैट इज़ यहाँ पर जो कॉमन रेशियो होगा वो -1 होगा। तो फ्रेंड्स आई होप 6th क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। नंबर 7 रीड करती हूँ। फॉर अ जी पी इफ़ S7 इज इक्वल्स टू 15 एंड S6 इज इक्वल्स टू 11 देन फाइंड द 7th टर्म ऑफ जी पी, यानी फर्स्ट 7 टर्म जो होती है उसे हम S7 कहते हैं, यानी सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो उनका टोटल आ रहा है 15, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी, राइट। तो ये कितने टर्म्स हो गई, फर्स्ट 7 टर्म्स। ये मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पर कोई भी डिजिट हो तो आप उनका एडिशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15। इसी तरह से नेक्स्ट आपको दिया गया है, अगर हम सिर्फ 6 टर्म्स का स्टार्टिंग से 6 टर्म्स का यानी S6 का टोटल जो सम होता है वो है यहाँ पर 11, तो 7 टर्म का है 15, तो हमें फाइंड करना है कि जो 7 टर्म है वो यहाँ पर कौन सी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस तरफ आपको यहाँ पर 15 - 11 करना है, दैट इज़ S7 - S6, देयरफोर यहाँ पर 15 - 11 करेंगे यानी 4 आया है, यानी हमने फाइंड कर लिया है। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन 8 और 9 है वो ट्रू और फॉल्स के हैं, तो वो आप अपने आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स है, राइट। नेक्स्ट मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी जिसमें स्टार्ट करेंगे। तब तक अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे भी डाउट्स आ गए हो, क्वेरीज रही हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सेक्शन सी में भी आपको पर्टिकुलर अगर किसी सम में डाउट्स हैं तो आप पहले ही कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं वो क्वेश्चन ज़रूर अटेंड करूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी इसी वीक में हम पूरा कंप्लीट कर दें चैप्टर 9 और 12th स्टैंडर्ड के लिए स्टडी स्टार्ट कर सके। तो फ्रेंड्स आप तब तक के लिए प्रिपेयर करके रखिए, आपकी एग्ज़ाम्स आ रही होगी, एक बार रिवाइज कर लीजिए पूरा स्टेटिस्टिक। तो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो हेल्पफुल रहा है कि नहीं, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।